हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू क्लासेस बाय बबीता गुप्ता हॉक्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। आज मैं एमएड फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर टू आपके साथ शेयर करूंगी। क्वेश्चन पेपर है ये अप्रैल 2021, जो एग्ज़ाम जुलाई 2021 में कंडक्ट हुए थे। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं कहूंगी मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, दूसरों के साथ भी नॉलेज को बांटें। तो देखिए, एमएड फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर टू है, जो कि है हिस्टोरिकल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। पेपर कोड है 17002। तो इसका देखिए टाइमिंग जो है, टाइम 3 घंटे का रहता है, 3 आवर्स का रहता है, और मैक्सिमम मार्क्स 80 होता है इसका, और 20 मार्क्स आपके इंटरनल के लगते हैं। तो ये 100 मार्क्स का पेपर होता है ये। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी होता है, हमें टोटल 5 क्वेश्चंस करने होते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है वो शॉर्ट नोट का होता है। देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा शॉर्ट नोट का है, 4 नंबर का एक शॉर्ट नोट होता है, और 4 शॉर्ट नोट हमें करने होते हैं। तो क्या ये फर्स्ट शॉर्ट नोट है वो है इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, सेकंड है हमारा एजुकेशन इन मेडिवल पीरियड, थर्ड है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एंड एजुकेशन, एंड फोर्थ इज एजुकेशनल फाइनेंसिंग इन इंडिया। तो ये 4 शॉर्ट नोट हैं जो कि कंपलसरी हैं। इसके बाद में है हमारा यूनिट वन में से हमें 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, और ये दोनों क्वेश्चन हमें करने, दोनों में से हमें एक अटैम्प्ट करना होता है जिसमें हमारी प्रिपरेशन अच्छी होती है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है यूनिट वन का, वो है डिस्कस द हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, राइट इट्स नीड इन डिटेल, एंड सेकेंड इज एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, राइट इट्स स्कोप ऑल्सो। तो ये हमारे यूनिट वन के 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, और ये 16 मार्क्स ईच हैं, मतलब आप कोई भी अटैम्प्ट करेंगे उसमें 16 मार्क्स का मैक्सिमम क्वेश्चन है ये। इसके बाद में यूनिट टू आती है हमारी। यूनिट टू में तो हमें चॉइस मिली हुई है, देखिए इसमें चॉइस में जो फोर्थ क्वेश्चन है उसमें 2 शॉर्ट नोट दिए हुए हैं 8-8 नंबर के, जो कि हमारा फर्स्ट है एजेंसी ऑफ एजुकेशन, एंड सेकेंड है एजुकेशन इन ब्रिटिश पीरियड, और इसमें 5th क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है डिस्कस द स्टेटस ऑफ वुमेन एजुकेशन इन वैदिक पीरियड, राइट इट्स रेलिवेंस इन प्रेजेंट डे एजुकेशन। तो ये हमें 2 क्वेश्चन इसके यूनिट टू में हमें गिवन है, जिसमें से हमें एक अटैम्प्ट करना है। या तो हम ये दोनों शॉर्ट नोट अटैम्प्ट कर सकते हैं, या फिर ये क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। इसके बाद है हमारा यूनिट 3। यूनिट थ्री में हमें 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सप्लेन एंड कंपेयर एजुकेशन इन मोनार्किक, डेमोक्रेटिक एंड कम्युनिस्ट कंट्रीज, एंड सेकेंड इज डिस्कस इन डिटेल द प्रोविजन एंड रिकमेंडेशन ऑफ NCF 2005। और ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैंने आपके साथ शेयर भी किया है, तो आपको वीडियोज़ मिल जाएंगे इसके, और इसके बहुत जल्द में रिकमेंडेशन इसके और फीचर्स शेयर करने वाली हूँ NCF 2005 के। तो ये हमारे 3rd यूनिट के 2 क्वेश्चन हैं। इसके बाद यूनिट 4 है। यूनिट 4 में हमें 2 क्वेश्चन देखिए, यूनिट 1 में जो है उसमें भी हमें 8 क्वेश्चन में 2 शॉर्ट नोट दिए हुए हैं 8-8 नंबर के। फर्स्ट हमारा स्किल बेस्ड एजुकेशन, एंड सेकंड है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एंड हमें सेकंड जो क्वेश्चन दिया हुआ है यूनिट 4 में से वो है व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, हाउ एजुकेशन कैन सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ यूथ एंड अनएम्प्लॉयमेंट। तो देखिए 4th यूनिट में से भी हमें 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिसमें से एक में 2 शॉर्ट नोट दिए हुए हैं 8-8 नंबर के। अभी ये भी 16 मार्क्स ईच हैं। तो इस तरीके से एग्जाम में हमें पेपर में टोटल 9 क्वेश्चन आएंगे शॉर्ट नोट्स को मिला के, और 9 क्वेश्चन में से हमें 5 अटैम्प्ट करने हैं, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन जो होता है वो कंपलसरी होता है। अभी जो एग्ज़ाम्स हुए थे तो उसमें था कि आप कोई भी एनी 5 क्वेश्चन कर सकते हैं, पर ये ऐसा हमेशा हो ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कोरोना की वजह से ये ऐसा कुछ चेंजेस लाए हैं। तो अपने आप को आप प्रिपेयर करके चलिए, ये सारे ही क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो हैं, और ये जो मैंने आपके साथ शेयर किए ये एमएड फोर्थ सेमेस्टर पेपर 2 हिस्टोरिकल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, ये MDU का पेपर है, और ये MDU के जो बच्चे हैं उनके लिए भी, और जो CRSU के बच्चे हैं, देखिए ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम जानते हैं जो CRSU के बच्चे हैं वो भी इनको प्रिपेयर करके चलें। तो आई होप कि आपको इससे काफ़ी नॉलेज मिली होगी और ये आपके लिए यूज़फुल रहेगा। तो ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ वो यूज़फुल इन्फॉर्मेशन लेके मिलूंगी, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।